विशेषताएं है एक भाषा के रूप में कि वो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित भाषाओं में से है, तो आज हम उसका गुणगान करने के लिए और उसका सुनहरा भविष्य देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे विभाग की ओर से, हमारे निदेशक महोदय यहाँ विराजे हुए हैं उनकी ओर से, डॉक्टर मोहनलाल यादव साहब यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं हमारे पूरे भाषा विभाग परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, आपके अभिभावकों आपके अध्यापकों का स्वागत करती हूँ। और लगभग एक घंटे में हमारा कार्यक्रम संभवतः प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, तो उनके सानिध्य में आज यह कार्यक्रम संपन्न होगा। और उसके साथ हमारे जो राज्य मंत्री हमारे भाषा और पुस्तकालय विभाग के मंत्री जी हैं श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, वो भी यहाँ पधारेंगे। और हमारे जो अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव महोदय है श्री पवन कुमार गोयल साहब, तो इन तीन विशिष्ट अतिथियों के सानिध्य में आज यह कार्यक्रम संपन्न। मैंने भाषण से ही अपनी महत्ता स्पष्ट की थी। वहीं स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में धर्म कर शिकागो धर्म संबंध में अपने हिंदी भाषी संस्कृत भाई और बहनों जैसे शब्दों से उन गोए और फिरंगियों को भी भारत की भाषा पर मंत्र मुक्त कर दिया था। और वैसे भी मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि आज अंग्रेजी भाषा की भी उतनी आवश्यकता है जितनी हिंदी की है। किंतु मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का शरण करके हमें अंग्रेजी को प्रोत्साहन नहीं देना है, हमें हमारी भाषा हिंदी को भी सर्वस्व बनाए रखना है। निवेदन है आज इस सभागार में शामिल इन बच्चों के अलावा हर उस शख्स से एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दें सम्मान के लिए जोरदार तालियों के माध्यम से। और ये सम्मान हमारी राष्ट्रभाषा हमारी मातृभाषा हिंदी के लिए, ये सम्मान हिंदुस्तान के हर उस हिंदुस्तानी के लिए जो देश के किसी कोने में बैठा है और हिंदी के लिए कहीं एक छोटा सा भी योगदान अपना दे रहा है, ये सम्मान हमारे प्रेम की भाषा हिंदी के लिए, ये सम्मान एकता की भाषा हिंदी के लिए। और अब विशेष रूप से स्वागत हमारी इन प्रतिभाओं का, हमारे नौनिहालों का जो लगभग 400 की संख्या में पूरे राजस्थान से कोने कोने के दरों दीवार लांघ कर आज यहाँ पहुंचे हैं और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में 100 में से 100 शत प्रतिशत अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच पधार चुके हैं, आपके साथ हैं माननीय राज्य मंत्री भाषा और पुस्तकालय विभाग राजेंद्र सिंह यादव साहब, सानिध्य है पवन कुमार गोयल जी अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा। बालेंदु जी से अनुरोध करना चाहेंगे आप भी मंच पर उपस्थित रहें। मौजूद है डॉक्टर मोहनलाल यादव निदेशक भाषा और पुस्तकालय विभाग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध, मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ आज के राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का हम शुभारंभ करें। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है, प्रकाश के पुंज दीप की परचाम सुन ले, ज्योति का अनुष्ठान करें, दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी इस संकल्प के साथ कि अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान हम ऐसे ही बनाए रखें। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तक का निह निचोड़े बुझी हुई बाती सुन गए, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल,
वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये सभागार ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। हमने ज्योति का अनुष्ठान किया दीप प्रज्वलन के माध्यम से। हिंदी दिवस राष्ट्रभाषा राजभाषा जनभाषा हिंदी को समर्पित आज का ये दिवस। हिंदी दिवस विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी के सम्मान में समर्पित एक पुष्प। हिंदी दिवस हमारी अभिव्यक्ति, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारा इतिहास। आइए हम आगाज करते हैं राज्य स्तरीय हिंदी दिवस आयोजन के आज के इस कार्यक्रम का। खोलते हैं अपने हृदय के बंध और बहने देते हैं मातृभाषा के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति अपने प्रेम, अपने गौरव, अपने अभिमान, अपनी चिंताओं और अपने चिंतन का प्रवाह।